हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल सोवन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि अगर सर हमारा ये एलईडी बल्ब का ड्राइवर के सारे कंपोनेंट खराब हो जाए, ठीक है, तो इसे हम पीएफ लगा के किस प्रकार से रिपेयर करेंगे और अपनी एमसीपी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई कंसर्न है, अगर आपका भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर पूरी तरह से खराब हो जाता है और आपको भी एमसीबीसी चलानी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बार हर एक बारीकियाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जी दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे एलईडी बल्ब से ही रिलेटेड सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो एलईडी का ड्राइवर है, ठीक है, 9 वाट का है, इसमें मैंने सिर्फ ये कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को छोड़ा है, बाकी सारे कंपोनेंट निकाल लिए हैं। दोस्तों, ये कोई कंपोनेंट मेरे ख़राब थे नहीं, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई है, तो इसलिए मुझे सारे कंपोनेंट निकालने पड़े। अब इसमें हम किस प्रकार से अपना पीएफ लगा के इसको ग्लो करेंगे, और अगर हमें पीएफ से अपनी एमसीपीसी को ग्लो कराना है, तो हमारे पास ये जो मेन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, हर एक सर्किट में होता है, तो इसको रखना ही पड़ेगा, जो ज़्यादातर 100 वोल्ट, 100 माइक्रोफेरेड या फिर 100 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड या अलग अलग वैल्यू के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा कैपेसिटर होता है, एक बड़ा कैपेसिटर होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरे एक ड्राइवर में इसको दिखा दूँ क्लियरली। ये ड्राइवर आप देख सकते हैं। दोस्तों, डिटेल से मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए और आप कोई गलती ना करें। ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटा कैपेसिटर होता है, ये देखिए 50 वोल्ट का है, और माइक्रोफेरेड देखिए इसके 2.2 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। और ये जो हमारा बड़ा वाला कैपेसिटर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 68 UF और 63 वोल्ट का है, यानी कि ये वाले कैपेसिटर को हमने रखना है, बाकी के सारे कंपोनेंट हम इसमें से निकाल लें, ठीक है, यानी ये ख़राब हो जाते हैं तो की बात है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम रखते हैं साइड में, यहाँ से तो हमारे एमसीपीसी के लिए निकल जाएंगे प्लस और माइनस, ठीक है दोस्तों। अब हमें किस प्रकार से ये पीएफ को लगाना है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा इनपुट है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इस साइड का प्लस है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ प्लस है, ये साइड प्लस है ब्रिज रेक्टिफायर की, और ये वाली साइड माइनस है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये देखिए दोस्तों, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो माइनस वाली जो साइड है वो तो हमारी सीधी, जाने दो उसको, ये चली गई सीधे यहाँ से, आप देख पा रहे हो ये ट्रैक सीधे गया इधर, ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्ट माइनस मिल गई एमसीपीसी के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ से तो डीसी करंट सीधा चला गया माइनस हमारे एमसीपीसी के लिए, ठीक है, ये एमसीपीसी वाला वायर इसमें कनेक्ट है, यानी कि जो डीसी वोल्टेज है माइनस वाली वो जा रही है, ठीक है। अब जो एसी वाली है, यहाँ से इस पॉइंट में हम एक पीएफ लगाएंगे, इस पॉइंट में उसकी दोनों लेग, एक पे लेग इसमें और एक लेग इसमें लगाएंगे, और यहाँ से देंगे इनपुट हम, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ से हम इनपुट देंगे तो सीधे उसकी दूसरी लेग से निकलेगी और इधर चली जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर में, और एक लाइन हम दे देंगे इस साइड में ब्रिज रेक्टिफायर के, यानी कि एक को तो हमने निकालना है पीएफ से और एक को दे देना है डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, देखिए जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए प्लस दिख रहा है, प्लस पॉइंट है वो गया है यहाँ से यहाँ, इधर गया है जो खाली दिख रहा है आपको पॉइंट, यहाँ गया है, यहाँ से हमने देना है सीधे जो हमारा ये है ना इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्लस,
उसमें दे देना है, इधर जम्पर लगाना है, यानी कि यहाँ से सीधे इसमें जम्पर लगाएंगे हम, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस साइड देख लीजिए, ये प्लस वाला वायर इस पॉइंट में हमारा लग जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलो इसको प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं ये एमसीपीसी को इसमें कर लूँगा ज्वाइंट, प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में, ठीक है दोस्तों। ये प्लस वाला प्लस में कर लिया कनेक्ट, ठीक है, और माइनस वाला माइनस में कर लिया कनेक्ट। ये दोस्तों हमने ये कर लिया कनेक्ट। अब थोड़ा इसको हम स्टैंड में लगाते हैं अपने, सही से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लेंगे पीएफ। अब उसकी किस किस वैल्यू की हम ले सकते हैं, आज मैं देख पा रहे होंगे वैल्यू 155 जे और 450 वोल्ट का है मेरे पास फिलहाल, ठीक है। लेकिन आप इसमें 155 जे 400 वोल्ट का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सही रहेगा। और एक मेरे पास था ये वाला 125 जे 400 वोल्ट का, आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं आप 125 जे 400 वोल्ट, मैं इसको यूज़ करने वाला नहीं हूँ। आप करिए, अगर इस तरह का आप बनाते हैं तो उसमें जो अच्छा रहेगा वो 155 जे 400 वोल्ट रहेगा, ठीक है। ये अगर दोस्तों हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं इसमें, तो ये अपने अपने अंदर जो करंट है वो स्टोर कर लेता है। अगर हम उसके बाद लाइट बंद करने के बाद भी अगर हम इस सर्किट को अगर गलती से हमारा हाथ लग जाएगा तो हमें बहुत जोर से झटका लग सकता है, इसीलिए इसके करंट को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि इस पीएफ को डिस्चार्ज करने के लिए ये मैंने लगा रखी है 560 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस। इसका आप कलर कोडिंग भी देख सकते हैं, ग्रीन ब्लू येलो एंड दोस्तों ये क्वार्टर वाट में है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। अब सोल्डिंग पेस्ट इसके दोनों में लगा दिया हमने, अब एक पॉइंट में इसको ऐसे कर लेंगे, दूसरे पॉइंट में इसको इस तरह से लगा लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से हम एक एसी पॉइंट देंगे जो हमारे ये पीएफ से निकल के यहाँ जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट में। अब इस पॉइंट से फिर हमारा ब्रिज, जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके एसी का एक लेग में जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो हम एसी इनपुट कराएंगे वो कराएंगे ब्रिज रेक्टिफायर के ये दूसरे लेग से, ठीक हो गया। अब जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से माइनस निकलेगी एमसीपीसी के लिए, वो तो ये डायरेक्ट निकल जाएगी। देखिए ये ट्रैक देखिए आप, ये ट्रैक देखिए, ये डायरेक्ट जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा ब्लैक वाला वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव का ट्रैक देख लीजिए आप, ये जा रही पॉजिटिव, यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, इधर जो खाली पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ देखिए जो हमारा एमसीपीसी के लिए पॉइंट गया है माइनस, सॉरी प्लस वाला, ओके। इसी दोनों पॉइंट में हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इतना क्लियर हो गया। चलिए हम इसमें जम्पर लगा लेते हैं फटाफट, इस पॉइंट्स में लगा के, ठीक है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारी पूरा हो गया क्लियर, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ठीक है, एसी पॉइंट एक इस लेग में और दूसरे इस लेग में, इस प्रकार से देंगे। आप पीछे देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए कोई कंपोनेंट नहीं है, सारे मैंने निकाल रखे हैं, ठीक है। ये देखिए
अब आप सोच रहे होंगे आईसी लगी है और ये डायोड वगैरह लगे हैं यहाँ पे, इनका कनेक्शन सब हट गया है, ये ट्रैक पूरी खाली है, ठीक है। यहाँ से हमने डायरेक्ट जंपर कर दिया, इनका काम भी ख़त्म। चलिए दोस्तों, अब हम इस ड्राइवर को चेक कर लेते हैं जो हमने बनाया, क्या ये हमारा एमसीपीसी को सही से ग्लो करा पा रहा है या नहीं। इसके लिए हम सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब भी हम कोई कंपोनेंट चेक करते हैं तो हमें सीरीज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें लाइन दूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा एलईडी बल्ब बहुत अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। चलिए हम इसमें ये डिफ्यूज़र रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम फेस में देते हैं लाइन, ये देखिए दोस्तों हमारा बल्ब फुल इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, ठीक है। तो आप भी इस प्रकार से अपने एलईडी ड्राइवर को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। कभी कभी हमारे इस ड्राइवर के आधे से ज़्यादा कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं, उस स्थिति में हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने स्पेशल कमेंट पे बनाई थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। हाँ, कोई कमेंट हो आपकी तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सभी कमेंट का जवाब मैं दे पाऊँ दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो के साथ। आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।